नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। तो फिर हर साल की तरह इस साल भी हम लेके आए हैं आपके लिए 2025 की मालिका भविष्यवाणी। पिछले साल भी हमने लाए थे 2024 में क्या कुछ होगा, और देखा जाए तो 80% जो भविष्यवाणी वो सच में रूपांतरित हुआ था। तो इस साल भी जो भविष्यवाणी है, सबकी नज़र एक इवेंट जो आने वाला है वो है मिंसन योग। मालिका के एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ग्रंथ और पोथी ये प्रमाण देता है कि जब मिंसन योग आएगा तब जो है समग्र विश्व के लिए वो एक खतरे का घंटी या फिर एक नकारात्मक संकेत जो है मिलेगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होगा और मिंसनी के दौरान खास करके क्या क्या होने वाला है। हमारे से जुड़े हैं मालिका रिसर्चर और कलकिला पुस्तक की रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी, आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। तो पिछली बार भी आपने बताया था कि भविष्यवाणी 2025 में 2024 में क्या कुछ होने वाला है, और ख़ास करके बहुत सारी भविष्यवाणी जो है वो सच में रूपांतरित हुआ था। तो इस साल 2025 में सबका नज़र जो है मिंसन योग पर है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मालिका क्या कहता है प्रमाण के साथ, और आपका जो गणना है जो रिसर्च है वो भी मेरा गणना मालिका के ऊपर ही वैसे। अच्छा, नॉट आउट ऑफ दैट, उसी के ऊपर ही है। हाँ, कुछ कुछ बात ऐसे एक दो बात कभी आ जाता है दिल में, बोल देता हूँ मैं प्रभु के दया से, लेकिन वो भी सच होता है। नहीं तो जो बोलता मैं बालिका से बोलता हूँ। मुझे याद है 2023 में जब आपने बताया था कि 2024 के मार्च के महीने में पूरी जगन्नाथ धाम से एक पत्थर गिरेगा, और वो हुआ मार्च के महीने में ही वो पत्थर गिरा। आपने बताया था कि जो गल्फ कंट्रीज है, अरबियन कंट्रीज है, वहाँ पर जो है बारिश होगा। मतलब कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में बारिश नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा एक संयोग बनेगा कि वहाँ पर बारिश होगा। हमने देखा दुबई में भी हुआ और सऊदी अरबिया में भी हुआ। तो ये सब आपने प्रेडिक्शन दिए थे, वो सच भी हुआ था बाद में प्रभु की दया, प्रभु की इच्छा से। तो फिर आप जो बोलते हैं हम वही बोल देता हूँ। तो फिर बताइए, अपना कुछ नहीं, सबका नज़र जो है 2025 के मिंसन योग पर है। मिंसन योग क्या प्रमाण देता है? पहले देखिए, हम लोग जाएंगे इस साल का जो ये अधिपति कौन है। अच्छा, पंचिका के अनुसार क्या क्या है, कौन क्या है, कौन सा ग्रह किसको किसका ऊपर बैठे हैं। इस साल का गणिताधिपति है बुध, वो सबको परिवेश के बारे में सचेतन करता है, क्लाइमेट क्लाइमेट। पालकाधिपति है चंद्र, वो होने से सस्य वृद्धि होता है। अच्छा, राजा है बृहस्पति, बृहस्पति राजा होने से सुशासन देते हैं, सुशासन। मंत्री है रवि, रवि मंत्री होने से सामरिक दक्षता वृद्धि मिलता है। अच्छा, आर्मी। पुरोहित है बुद्ध, वो विज्ञान में सफलता आते हैं, साइंस, देश को विज्ञान सफलता देते हैं जी। ये जो भारत के लिए बोलता हूँ। ज्योतिष है शनि, वो उनसे दैवी दुर्विपाक होता है, आपका बहुत सारे तूफान हुआ, बारिश हुआ, जो भी हुआ, भूमिकंप हुआ, ये सब आता है। परीक्षक है मंगल, क्या है, एग्जामिनर, परीक्षक। वो उनसे वो आंतरिक कंदल लाता है, आंतरिक बवाल, आंतरिक बवाल, सिविल वार वो लाता है। करण है शुक्र, जो कराता है मीडियम, शुक्र है वो, होने शुक्र होने से युद्ध के लिए क्षय क्षति होता है, योग है भारत में युद्ध होने का योग है। डगर है चंद्र, डगर मतलब जो ये आपका विभिन्न बात वार्ता बजता है सजा को, डगर है चंद्र, वो होने से अशांति असंतोष बढ़ता है, बढ़ता है। अच्छा, उसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ बार बार बात आएगा, सामने आएगा झूठा बात, वो ऐसे फैलेगा कि उसके लिए आंतरिक वाल होगा। अच्छा,
मतलब एक साजिश के तहत एक बात को ऐसे फैला जाएगा, झूठ बात को, हाँ झूठ बात को फैला जाएगा और वो जो है जड़ बन जाएगा असंतोष का। जी कारण यह है बृहस्पति होने से सुरक्षा वृद्धि होता है, सुरक्षा डिफेंस का वृद्धि होता है। अर्थरक्षक है रवि, उनसे आर्थिक उन्नति होता है देश का। आस्थान रक्षक है बुध, आस्थान को रक्षा करता है जो वो है बुध, वो होने से उसका आस्थान का स्थिति सुदृढ़ होता है थोड़ा बहुत। संग्राम अधिपति है रवि, संग्राम का अधिपति रवि है, वो उनसे शांति प्रतिष्ठा थोड़ा होता है। धन्याधिपति मंगल, वो उनसे प्राकृतिक विपर्जय आता है, प्राकृतिक विपर्जय के लिए सब नष्ट हो जाएगा, धन धन नष्ट हो जाएगा। बाकी सस्याधिपति है बुद्ध, उसके लिए सस्य नष्ट होगा, 25 से दुर्भिक्ष पड़ेगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा, चालू हो जाएगा डेफिनेटली। इसलिए मैं सब टाइम बोलता है 24 में जो आता है पहले एक साल की रख दो, फिर बाद में चिंता करो, जो बचता है वो बेचो। तो मतलब क्लाइमेट कंडीशन जो है इतना बिगड़ जाएगा, बारिश जो है होने की संभावना कम रहेगा, हाँ इसी कारण जो है सबसे समस्या दिखाई देगा। हाँ हाँ नहीं बारिश मतलब होगा नहीं या फिर ज़्यादा होगा, ज्यादा होगा कोई कभी कोई जगह हो जाएगा तो खुदरा लेगा कम्प्लीटली, हाँ जहाँ नहीं तो नहीं है बिल्कुल नहीं है। अच्छा सूखा है तो सूखा है, सूखा जहाँ पानी है तो बहुत ज्यादा पानी है, वही दैट इज मैंने। और बारिश इस समय होगा जो उगला हुआ धान है वो खत्म हो जाएगा, जो पक चुका जो धान जो है वो फिर वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 26 में और डेंजर जीव आता है, अच्युत जी बोले हैं 26 में जितना तुम धान बीज के स्वरूप बेचे हैं उसको खेत में बट जो दिए हैं वापस नहीं आएगा, उतना भी नहीं। अच्छा, उतना भी वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ हाँ 27 में कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, आपने तो वीडियो शुरू होते ही हमारे दर्शकों को डरा दिए। नहीं डरा नहीं, जो जो बालिका जो लिखा है वही बोल रहा हूँ मैं, डरने की बात नहीं है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हम लोग उसके लिए अपने को रखना है ठीक से, ये टाइम आ रहा है हम क्या हमको क्या करने का है, जुगाड़ करना है उसके लिए कैसे बचेंगे। देखिए 26 और 25 मैं बोला था, 26 है ऐसा साल जिसमें आपका जो कलकिला का फाउंडेशन ले आउट हो जाएगा, ले डाउन हो जाएगा। अच्छा द फाउंडेशन ले आउट ऑफ कलकिला, हाँ तो हो गया 24 में। 26 और 25 में और एक चीज है, 26 का 13 दिन का पक्ष और 25 का म्यूनिशन जो को, ये दोनों हाइलाइटेड है मालिका में। अच्छा बहुत उसका दिया गया है उसके ऊपर, ये भरोसा दिया गया ये लोग के लिए, इसी दोनों के लिए भी होगा, ये सब जो होगा इसके वजह होगा, क्योंकि ये लिखे हैं कि 13 दिन का पक्ष हो जाए कल्चर लीला लागे होते पे, जब 13 दिन का पक्ष होगा उसी टाइम से कल का एक्चुअल लीला चालू होगा। मैं सुना था कोई सम पीपल मास्ट्रोलॉजर्स नॉर्थ इंडिया का, वो कमेंट दिए थे क्या 13 दिन पक्के होने के बाद क्या चालू हो जाएगा क्या, उसके पहले नहीं हुआ था। नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, पहले भी कलकिया चालू है लेकिन एक्चुअल जो लीला है धर्म संस्थापन का वो चालू होगा कड़के 13 दिन पक्के बाद। अच्छा 13 दिन पक्ष के बाद, बाद जो कि दो और सुदृढ़ होगा मिनसन योग के बाद, मिनसन योग के बाद मुझे कमिंग इन 25 में आपका चार ग्रहण आता है, एक पक्ष में दो दो ग्रहण करके दो बार आता है। 14/3/25 को दोलो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, 29/3/25 को चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, उसी दिन तो मिंसन योग भी हो रहा है, मिंसन योग जो नहीं पड़ता है उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। 7/9/25 को भाद्र पूर्णिमा चंद्र ग्रहण होता है, 21/9/25 को महाराया अमावस्या उस दिन आपका ये सूर्य पराग होता है, सूर्य ग्रहण होता है,
इस साल भी पितृपक्ष का शुरू से एंड में चंद्रग्रहण सूर्यप्रग आया, सेम थिंग विल कम इन प्रतिश ऑल्सो, विच इज वेरी बैड साइन। अच्छा, पहले अपने लिए ले, अपना पितृपक्ष के लिए भी है बैड साइन। गुट्टी, एक महीना में अगर सूर्य पराग और चंद्रगण आता है तब वो देश और राजा का विपत्ति आता है, राज्य के लिए, राजा के लिए और देश के लिए, देश के लिए जो है सही लाता है, विपत्ति होता है, विपत्ति लाता है। अच्छा, और राजाओं के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है, देश देश के बीच में लड़ाई स्टार्ट चालू हो जाता है। अच्छा, तो एक महीना के अंदर अगर सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण होता है, दोनों होता है, तब राजा लोग अपने अपने बीच में युद्ध करके खत्म हो जाते हैं, खुद को खत्म कर देते। अच्छा, आपस में वो लड़ाई करके खत्म हो जाते हैं, खुद ही अपने आप को खत्म कर देते हैं, इसको अच्युत जी बोले हैं। आय वीर वर्ष करे तीन चारि थर चंद्र सूर्य ग्रहण होइब हेतु कर धूमकेतु उदय हेब विविध वर्णरे बहुकाल पर्यंत थिव जगन गगनरे मेघ घोड़ाइला पर कुक होइब एकक पर्वतर अग्नि बाहर निर्घात शब्दे पृथ्वी थर थर हेब प्रजा मान हृदय भय पूजीव। ये बोलते हैं कौन सा ग्रंथ है? ये 64 पटल का आपका सप्तम पटल, 60 पटल, हाँ 60 पटल ऑफ 64 पटल अच्युत जी का है। इसमें क्या है बोलते हैं अच्युत जी, ये अगर एक साल में तीन बार या उससे ज़्यादा ग्रहण पड़ता है तो बहु बार धूमकेतु उदय होता है और उदय होकर बहुत समय रहते हैं, बहुत ये कोहरा बहुत होता है और ये आपका अग्निउद्गीरण मतलब आपका ये क्या बोलते हैं उसको बाघनगिरी उद्गीरण ज़्यादा होता है एवं इतना शब्द होता है विभिन्न स्थान से, लोग भयभीत हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग स्थानों से अजीब सा आवाज़ जो है सुनाई देगा। हाँ, विभिन्न स्थान से, विभिन्न जगह से आवाज़ आएगा, जगह से आवाज़ जो सुनाई देगा उसमें से लोग डर जाएंगे। हाँ, लोग डर जाएंगे। इसका इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है, मतलब आवाज़ जो है वो अजीब सा आवाज़ सुनाई देगा? वो देखिए वो जो भरे रेडी जो है वही है या फिर रेडी? अच्छा, विल गो टू दैट, ओके, हम लोग जाएंगे उस उस पर जाएंगे, भाई रेडी कहाँ से होगा अभी जाएंगे हम। अच्छा, आपका 25 का मेन आइटम है मिनुसन योग, ऐसा जो कभी नहीं आया था ये मिनुसन, उसमें भी आपका पंचग्रहण कुट हुआ था, सौरग्रहण कुट भी हुआ था, उसमें 6 ग्रह एक राशि में थे, पंचग्रह एक राशि में थे, अभी सेम थिंग गोइंग टू हैपन। तो उस समय तो हुआ था और अभी ये भी हो रहा है, तो ये मतलब अलग क्या है? बट दैट नॉट इन मीन राशि। अच्छा अच्छा, मिनुसन योग के द्वारा नहीं हुआ था? नहीं, अभी आपको 29/3/25 को मिनुसन योग आता है सबका ग्रहण का हिसाब से, 28 से पंचग्रह कुट चालू हो जाता है मीन राशि में, 5 से ग्रह आके बैठ जाते हैं मीन राशि में, और उसके बाद 29 को शनि से आके जॉइन कर लेता है, सौरग्रह कुट हो जाता है, दैट विल कंटिन्यू फॉर 2 डेज, उसी समय मिनुसन योग पड़ता है, उसी समय जब का तब अमावस्या होता है, सूर्य पराग होता है। कितने दिन? 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए ना। हाँ, मैंने 29 से 30 तक का, 31 तक ऐसा कुछ बोले ज़्यादा ख्याल नहीं, अप टू 30 और 35 तक होता है। तो क्या होता है इसमें, देखिए आप राहु बकरी शुक्र बकरी बुध चंद्र और रवि ये 5/28 को आ जाए आते हैं मीन राशि को, पंचग्रह कुट चालू हो जाता है, 29 तारीख को शनि से आके बैठ जाते हैं उसके साथ, राहु ऑलरेडी बैठा है, शनि आके मिल जाते हैं उसके साथ, 6 हो गया और शनि का और राहु का बहुत वृद्धि हो जाता है। अच्छा, स्ट्रेंथ बढ़ता है उसका, दोनों का, उनका स्ट्रेंथ बढ़ना मतलब बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और ये सड़क रकुट जो होता है
उसका इफेक्ट बहुत है, विंसेंट जो तक करता इफेक्ट है, क्या होगा देखेंगे। सौरभ कुट का भी बहुत इफेक्ट है, अगर एक समय हो गया ये दोनों तो ये फर्क बवाल रहेगा। अरे बाप रे, देखिए आप पंचकाव ने कहा है कि एक राशि में अगर पांच छह या सात ग्रह इकट्ठा होते हैं तो राज्य नष्ट हो जाता है और देश नष्ट हो जाता है, राजा का विनाश होता है, एवं वही राशि में जन्म लिया होगा व्यक्ति लोगों को भी बहुत सारे को विनाश होता है, बहुत सारे मुसीबत होगा और विनाश हो जाएगा उनका।